थैलेसीमिया डे पर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में पहुंचकर ब्लड दे रहे पुलिस जवानों व आमजन का हौसला बढ़ाते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने बताया कि रक्तदान करना सबसे पुण्य का कार्य होता है। अगर हर व्यक्ति हर 3 महीने में नियमित रूप से रक्तदान करे तो खून की कमी से किसी को तकलीफ या किसी की जान नहीं जाएगी। ब्लड डोनेट करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम कम होता है। ब्लड डोनेशन से आप किसी भी जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए थैलेसीमिया पेशेंट श्रेया चटर्जी और फातिमा हॉस्पिटल के असिस्टेंट डायरेक्टर फादर विल्सन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, कौन कौन थे ये 32-35 लोग? सर कुछ लोग अपने व्यवहार के और वॉलेंटियर वॉलेंटियर कैसे लाते हो आप? सर बुकिंग करते हो सोशल मीडिया के थ्रू? सर पोस्ट करा है बीमारियाँ हैं सर, कोई मोटिवेट होता है उनका नंबर नोट करके कैंप करवाना हो या कभी किसी का आवश्यकता पड़ता है तो बुलाता हूँ। वैसे सर उनके माध्यम से शेयर करके फोटो वोटो और वो लोग लेकर आते हैं 2-3 लोग को। ऐसे सर एक सर्किल बन गया है उसमें सर सर वो रिजेक्ट हो गए हैं, उसमें 2 दिन कम था 2 रुपये। पुलिस में वो आपकी नौकरी है, पर आपने व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ के हमारे जो नौजवान लड़के हैं, कौन कहता है कि नौजवान जिम्मेदार नहीं है हमारे देश के, स्वयं आते हैं, बाहर से आते हैं, देवरिया से आ जाए, महाराजगंज से लोग आए यहाँ खून देने के लिए, तो ये नौजवानों में बड़ा जज्बा है। और मैं दोनों हमारे सिपाहियों को बधाई दूंगा जो खुद 16 बार से ज़्यादा रक्तदान कर चुके हैं और पूरा एक मुहिम चलाते हैं गोरखपुर में अन्य नौजवानों को जोड़कर, जिसे भी आवश्यकता होती है उसे खून दिलवाने की, और एकदम लीगल तरीके से एकदम सही तरीके से ये ब्लड डोनेट करवाते हैं। इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ ये लोग जुड़े और आज का दिन यादगार बन गया आप लोगों की वजह से हमारे लिए। इस साल किसी हॉस्पिटल को ऐसा रिसीवर को मतलब देने वाला है तो हम लोगों को दिखाना।
साहब से कॉल करा लेना, बात करो उतना हौसला अफजाई होता है। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा सर सबसे अच्छी बात क्या है, इसके पीछे जो बहुत सारे ऐसे नमस्कार सभी को, मेरा नाम स्निग्धा चटर्जी है। मैं एक थैलेसीमिया पेशेंट हूँ, थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। मैं जब 3 महीने की थी तभी से मुझे थैलेसीमिया के बारे में मेरा डायग्नोस हुआ कि मैं थैलेसीमिया हूँ। और ये थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि जो कैरियर दो पेरेंट्स कैरियर होते हैं तब एक मेजर बच्चा 25% चांस होता है, 4 में से 1 बच्चे का चांस होता है मेजर होने का। और इसमें रक्त की कमी हो जाती है, खून हमारे शरीर में बनता नहीं है। आज मैं गोरखपुर की सबसे बड़ी पेशेंट और यूपी की सबसे थैलेसीमिया की फर्स्ट पेशेंट हूँ जिसने नेट क्वालिफाई किया है और मुझे योगी जी ने सम्मानित किया है अभी कुछ ही टाइम पहले। और मैं अभी मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया है विद 72% एंड अभी बीएड के लिए आगे बढ़ रही हूँ, बीएड कर रही हूँ। कितने दिनों पे आपको ब्लड की? जी मुझे हर 15 दिनों में 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और जो ब्लड हमें जो 15 दिन के फिर ड्यूरेशन में वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये यही हमारी ज़िंदगी है कि हमें ब्लड चढ़वाना, एक तरह से कह सकते हैं कि एक गाड़ी को पेट्रोल भरवाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो बस वही सिचुएशन है हमारी। लेकिन हाँ,
जो भी थैलेसीमिया पेशेंट अगर देख रहे होंगे उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और जो डोनर्स हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ही लोग की मदद से ये सभी पेशेंट, नॉट इवन थैलेसीमिया, अदर पेशेंट्स भी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं होता है, आप इतना जान लीजिए, मैं लेमैन लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो एक समुद्र होता है हम लोग के शरीर में, ब्लड का समुद्र होता है जिसमें से बूंद भर ब्लड हम लोग को देना होता है, और जो कि 24 घंटे बाद फिर से हमारे शरीर में आ जाता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे शरीर से ब्लड ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड ज़रूर डोनेट करिए और अपने खुद भी हेल्दी रहेंगे, आपके लिए है, आप हेल्दी रहेंगे, आप ब्लड डोनेट करेंगे तो बस थैंक यू। और थैंक यू सभी जो यहाँ पे आज हम लोग के लिए कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम फादर विल्सन, असिस्टेंट डायरेक्टर फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो हम लोग यहाँ पे पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमारे पुलिस साथियों के साथ आज बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन के लिए आए। एक्चुअली थैलेसीमिया डे के साथ साथ जो सोसाइटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, सबको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सब सोशल वर्क है, सोसाइटी का काम है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके द्वारा और लोग अवेयर हो और आगे बढ़ के इस भरपूर मात्रा में ब्लड डोनेशन में आगे आए। हमारी यही कोशिश है, इसका प्रचार के रूप में नहीं है लेकिन अवेयरनेस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। और हमारे एसएसपी साहब को, एसपी साहब को, सबको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस हमारे इस कैंप को, इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने में पुलिस साथियों का बहुत बड़ी भूमिका है। सर्टिफिकेट भी दिया गया है जी, किस में सर्टिफिकेट भी दिया गया है? जी जी जी, यहाँ सर्टिफिकेट पुलिस लाइन से ही दिया गया है, और हमारे ब्लड बैंक से, फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर से ही हम लोग सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये इसका बेनिफिट ये है कि आने वाले 3 महीने में जब भी जिन्होंने डोनेट किया उनके साथी को जब भी ज़रूरत है बिना डोनेट करके उस रिप्लेसमेंट में ब्लड दिया जाएगा। आज पुलिस लाइन में थैलेसीमिया डे के अवसर पर हमारे पुलिस आरक्षी शिवम बोझ और पुलिस आरक्षी मुकेश ने हमारे नौजवानों के साथ मिलकर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें अभी तक 35 से ज़्यादा लोगों ने रक्त दिया है। और अभी और कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा और जनता के संप्रांत नागरिकों द्वारा भी रक्तदान किया गया है। उद्देश्य है कि रक्त की कमी कहीं किसी जगह पर ना आए, जिसको भी ज़रूरत हो आवश्यकता अनुसार रक्त मिले और समाज में जागरूकता आए। रक्त देने से किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि आपसी भाईचारा बढ़ता है, और ये सभी को करना चाहिए अपने जीवन में। यहाँ पर कई आज रक्तदान शिविर में कई लोग आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में 5 बार या इससे अधिक, बल्कि कई लोगों ने तो 15-15 बार रक्तदान किया है, और यह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और मेरे सभी गोरखपुर वासियों से निवेदन है कि कृपया करके रक्तदान अवश्य करें, इससे किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती है, ये सभी भ्रांतियाँ हैं, और इसका हमें मिलकर आपसी सहयोग से अगर कहीं रक्त की कमी हो उसे दूर करना है। इसी संदेश के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था पुलिस लाइंस गोरखपुर में।